अप्लाई कर लेंगे। भाई हाथ जोड़ के बैठ जाओ, बैठ जाओ। फोटो वगैरह खींच रहे हैं इस तरीके से करके। सर की करनी है सामने से। अरे तू यहाँ सामने बहुत जगह है, देखो अव्यवस्था फैलेगा, उतने ज्यादा गड़बड़ होगा। और जितने भी बच्चे साइड में हमारे टीचर साथी पीछे हैं, एक बार सब लोग बैठ जाएंगे इधर तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। लाइव चल रहा है, शांतिपूर्वक करना है सारी चीजें इस तरीके से। अव्यवस्था से बहुत हाथ उठा के बोलना भी यहीं से चले गए, मैं भी चला रहा हूँ। अरे सर बैठा नहीं चाहिए, अरे बैठने को भाई मीडिया से हो यार, बैठो नहीं यहाँ पे। और अगर तुमको लगता है कि तुम गैर अनुशासित होकर अपनी मांग बना सकते हो तो तुम्हारी भूल है, अनुशासित होना पड़ेगा। और शायद इनके पैरों में ज्यादा दम है जो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं और ना इनको बैठना है। तो मैं एक बार फिर से आपका भाई होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी छात्र खड़ा ना रहे। और अगले 15 सेकंड में हम ये करके दिखाएंगे कि हमारा एक भी साथी नहीं खड़ा होगा। अगर आपके पास कोई खड़ा हुआ है और हमारी बात को नहीं मानता है, बैठने की इस बात को नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि आपकी चीजें सही ना चले। और सिर्फ एक ही बारे में यहाँ बात करते रहे, री एग्जाम की बात को छोड़ के यहाँ सिर्फ एक बात चलती रहे कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, री एग्जाम की एक बात चलनी चाहिए और किसी भी गुरुजन को यह ना कहना पड़े कि बैठ जाइए। ये आपका मुद्दा भटकाने वाले लोग हो सकते हैं, ये बेवजह यहां पर इन लोगों को लगता होगा कोई तमाशा है, इन लोगों को लगता होगा कि यह भीड़ नहीं है, ये लाखों करोड़ों घरों के जज्बात हैं जो कुचल दिए गए। आपको इन बैठे साथियों के शायद दिल का दर्द यहां आंखों में ना दिखाई दे, क्योंकि ये आंखें रात को जाग जाग के पढ़ पढ़ के सूख चुकी हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे बहुत सारे लोग यहां आपको बहुत तरह की राय इंडिविजुअली एकल रूप से आपके कान में दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। दोस्त मैं हाथ उठाऊं तो आप सबके दोनों हाथ उठने चाहिए कि री एग्जाम। और अगर एक छात्र शक्ति और उसके साथ में आपके साथी, आपके भाई, आपके सारे अध्यापक जिन्होंने आपकी तरह नींदें गवाई हैं, जो सपना आपने देखा वो सपना हमने भी देखा कि हम इस प्रदेश में मेरिट में बच्चों को पहुंचाएंगे, जो अपने दम पे सिलेक्शन लेगा। और फ्री एजुकेशन यूट्यूब पर दी वो इस बात के लिए नहीं दी कि चंद लोग चार घंटे में पेपर पा के तुमसे बेहतर कर जाए। वो शिक्षा तुमको इस बात के लिए नहीं दी कि कल को चंद लोग आकर के आपकी इस जायज मांग को दमित कर दें। वो शिक्षा आप लोगों को इस बात के लिए नहीं दी कि आप एक व्यवस्था तक नहीं बना पाते और कहने के बावजूद कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूं, ऐसे लोगों को आप अभी बाहर भेजने का प्रयास कीजिए। जो लोग खड़े हैं ये नहीं चाहते कि आपका री एग्जाम हो। मैं मंच पर अपने साथ खड़े अध्यापक साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और भाई ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना यहाँ, ये जो तुम चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है,
इसका मोल तब है अगर तुम ताकत से री एग्जाम करवा पाए तो हम जानते हैं कि हम तब ये मानेंगे कि आप अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हो। आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई, आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई कि बच्चे आपके सपनों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। आपको सरे आम नकल माफियाओं के द्वारा लूटा गया है और क्या आप इतने कमजोर हैं कि एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे? अगर तुम एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे तो इस प्रदेश की व्यवस्था के नायक भी प्राप्त नहीं है, तो कहेंगे लूट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चाहे सूरज निकले, चाहे सूरज डूबे, चाहे सुबह हो, चाहे कितनी शाम, एक ही मान और दोस्त किसी भी कोई भाई नाम नहीं लेना है किसी का। देखो आप जानते होंगे छंद में आंसू दिखा देना, अगर अपने छात्र होंगे मैंने एक बात कही है कि आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में मेरी आंख से आंसू नहीं देखोगे। और साथी पूरा जीवन संघर्ष में गया और अंकित भांडी सर ने सिर्फ एक ही संदेश देकर के मुझे यहां भेजा कि बच्चों की आंख में सूखा हुआ यह आंसू हमको दिखाई देता है और यह प्रशासन को देखना होगा। इस आंदोलन की, इस महान आंदोलन की अभी एक शुरुआत हुई है, अभी बस इसका समय हुआ है और आप देखना हम साथी कल तक इसको इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक ये बातें सुननी होंगी, कोई भी आंदोलन महान होता है उसके पीछे बने विचार से। सारे साथी अध्यापकों ने इसके बारे में चर्चा की, शायद बहुत सारे नाम मैं नहीं ले सकता लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के ही टीचर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है, इस प्रदेश से बाहर के अध्यापक भी आपके लिए सामूहिक रूप से गोपनीय चर्चा में शामिल हुए कि कब क्या कैसे करना होगा। एक बात चली थी कि अब से 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि प्रशासन चाह के भी आपकी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले एक बात कही थी कि प्रशासन यदि गड़बड़ करेगा तो मैं लखनऊ पैदल जाऊंगा और उस पैदल आने को मैंने माना। हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं, कल शायद आप भी इसके साथी होंगे, आप भी इसमें शामिल होंगे, आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन पुलिस विभाग को यह भी समझना होगा कि इन बच्चों का आखिरी सपना यह है, अगर यह उम्मीद टूट गई तो इस उम्मीद के टूटने के पीछे तुम भी कहीं ना कहीं शामिल हो। इन निम्न वर्ग के, इन किसानों के, इन मजदूरों के, इन सपने देखती आंखों के गुनेगार तुम भी हो गए। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि इन गरीब बच्चों के लिए आंतरिक संवेदनाएं रखी। माना आपको प्रशासन की बात सुननी होगी लेकिन इनके लिए प्लीज थोड़ी सी संवेदनाएं, थोड़ी सी भावनाएं, जिनके सपनों को कुचला गया। क्योंकि आप सोचिए जिस समय इस देश के किसी भी व्यक्ति, इस राज्य की किसी भी पुलिस ने वर्दी धारण की होगी तो एक मेहनत से वर्दी धारण की होगी और उसके अंदर भावनाएं भी होंगी कि एक मेहनत का छात्र कितनी मेहनत करता है। और यदि भावनाएं नहीं है इन छात्रों को लेकर के, इन मासूम साथियों को लेकर के प्रशासन के अंदर,
अगर थोड़ी भी संवेदना नहीं है तो इसका मतलब होगा कि प्रशासन में भी इस धांधली की तरह शामिल हुए कुछ लोग कुछ समय भी बाकी है। तो प्रशासन का यह अपील है कि इन बच्चों के लिए आंतरिक भावनाएं बचा के रखें, क्योंकि आप सोचिए इस प्रशासन में बैठा हुआ हर व्यक्ति सोचे, हर मंत्री सोचे, हर संतरी सोचे, हर एक पदाधिकारी सोचे कि अगर आपके सपने को कुचला जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। इस छात्र को दोबारा परीक्षा देना ये अपने आप में एक दर्द की बात है, क्योंकि जिस हौसले से हम एक बार पढ़ते हैं, एक टारगेट के लिए पढ़ते हैं और 45 दिन में हम इतने सारे विषयों की तैयारी कर जाते हैं, वो हौसला हम फिर से जुटाएं और फिर से खड़े हो, उसके लिए छात्र तैयार हो जाता है। छात्र के लिए बहुत कठिन, और मैं कहूं एक हृदय विदारक बात है कि हमको इतनी मेहनत के साथ ये परीक्षा दोबारा देनी होगी, लेकिन हम देंगे देंगे। वी वांट री एग्जाम, री एग्जाम, हमारी एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। तो साथी बंदे 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्त याद रख लेना, एक वादा करना, अभी आपकी बात रखने के लिए हमें से कुछ लोगों को यहां से जाना होगा, बुलाया गया है। एक वादा तुमसे लेके जाना चाहूंगा, जो होगा मैंने कहा, अगर कोई जबरन स्टेटमेंट आए वापस आके मैं ही बोलूं कि आपकी मांग मान ली गई है तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं इस प्रदेश को संचालन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम मानेंगे ऑफिशियल नोटिस, और ऑफिशियल नोटिस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का मौखिक आश्वासन नहीं चलेगा, और ये इस छात्र, इस प्रदेश या अन्य प्रदेश के छात्रों के साथ ये पेपर लीक का भी जो अन्याय है ये नहीं चलेगा। पेपर दोबारा होगा, परीक्षा दोबारा होगी और फेयर कंडक्ट करानी होगी। हम बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, पीछे अरे शांत रहो यार। भाई हमें पकड़ के बिठा ले, आपको इतने लोगों को नहीं बिठा सकते ना। सर हम लोग लीड करेंगे। सुनो, मैंने कहा ना, नेतृत्व तुम्हारा है, और अगर अंतिम पत्ता भी यहाँ मौजूद रहे, अंतिम बालू का कण भी यहाँ मौजूद रहे, तो किसी ने कथन कहा था कि इस देश की बालू के कण से इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। आपकी मांग जायज है, आप घबराना मत। अगर आपको खदेड़ भी दिया जाए, अगर आपको खदेड़ भी दिया जाए ना, तो एक छात्र आके बैठ जाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक आवाज पर इस प्रदेश के इतने इससे कई गुना छात्र फिर बैठेंगे, वर्षों तक बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, लगातार आवाज उठती रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हर अंतिम रास्ते पर विचार किया जाएगा। सारे साथी प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये लोग जो खड़े हैं ये कह दे कि हमारी आवश्यकता नहीं है, भाई तुम्हारे लिए आए हैं,
यहाँ पर कोई भी छात्र, मैंने कहा जो बैठे हुए हैं उनके पास जो कोई खड़ा हुआ है वो उसको बिठाए, उसको बिठाए। और प्रशासन से जो कोई भी बात होगी यहाँ बच्चों के सामने होगी, बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। बंद कमरे में की गई कोई भी बात मान्य नहीं होगी। बच्चों के साथ धांधली खुलेआम हुई है, बच्चों के साथ धांधली सोशल मीडिया पर खुलेआम हुई है, तो बातचीत भी खुलेआम होनी चाहिए। अगर अगर प्रशासन ये कह दे कि ये धांधली हमने बंद कमरे से कराई है और हम इसके जिम्मेदार हैं, तो हम भी बंद कमरे में बातचीत को तैयार हैं। लेकिन प्रशासन नहीं मानता इस बात को कि धांधली नहीं हुई है, ये भ्रामक है, ये भ्रामक नहीं है, ये बेरोजगारी है जिसकी वजह से। अरे हट जाओ यार, तुम सब लोग पीछे, तुम टीचरों से बताइए वहाँ जो है चेरे, ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं ना, ये लोग बहुत शांति के साथ बैठेंगे। मैं जरूरी संवाद आपसे करने वाला हूँ, बहुत जरूरी संवाद। अपने बगल के साथी को साइलेंस के लिए बोलिए, अपने कान में कोई अतिरिक्त आवाज मत आने दीजिए, और एग्जाम के अलावा। और मेरे इस मंच पर जो साथी खड़े हुए हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज थोड़ा थोड़ा सा स्पेस लीजिए, प्लीज एक बार बैठिए। और जो सरकार या कोई भी किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पर, एक बार मेरी बात सुनिए, किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पर यह बताया जाता है कि परीक्षा लीक की जो खबर है ये भ्रामक है। क्या किसी खबर के बारे में हम ये नहीं जानते कि यह भ्रामक है या सत्यापित है? ये पढ़ा लिखा वर्ग है साहब, और ये बेरोजगार, उसमें से न जाने कितने छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं जो इन अधिकारियों की तरह ये यूपीएससी और बीएससी की परीक्षा पास करने का मानदंड रखते हैं। लेकिन यह सरकार या प्रशासन अगर आपको एक सिपाही बनने से रोकता है, तो हम कैसे एक अधिकारी वर्ग की कल्पना कर सकते हैं? साथी, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के कहने से खत्म नहीं होगी, ये निरंतर चलती रहेगी। एक बार बोलेंगे किसी के कहने मात्र से ये खत्म नहीं होगा, ये न्याय की आवाज है, ये झंडा बुलंद होगा। री एग्जाम के अलावा कोई बात नहीं होगी। कानून, न्यायालय, ये सब बाद के विकल्प है, बाद के विचार है। उन सब पहलुओं पर अध्यापक गणों की चर्चा हो चुकी है, आपके लिए हर अंतिम विकल्प पर विचार किया अध्यापक लीड करेंगे। और मैं कहता हूँ, भविष्य में अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, तो आपका भाई आपको ये वादा करता है, ये मेरे सामने है, कि किसी एक बच्चे का प्रशासन में एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे, मैं वो खर्चा उठाऊंगा। भारत माता की जय, जिंदाबाद, वी वांट, थैंक यू।
दोस्तों पहले स्टार्ट